بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله العظيم اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہو نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور جو ان کے ساتھ میں اہل ایمان و صداقت تھے ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لینے کی تعلیم دی ہے اور آخر آیت میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا ہے اصل صحابہ کرام کو اللہ رب العزت ایک ایسے موقع پر جبکہ ایک صحابی سے نادانستہ طور پر کفار سے موالات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا ارتکاب مخلص صحابی تھے سچے پکے مسلمان تھے جن کے مخلص ہونے اور منافق نہ ہونے کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی لیکن بسا اوقات کچھ عوارض کچھ حالات کچھ جذبات آدمی پر غالب آتے ہیں تو اس سے لغزش کا صدور ہوتا ہے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی موقع پر بعض خاص صورتحال کے پس منظر میں یہ لغزش ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت ہوئی اور مشرکین کے ساتھ ہمدردی اور موالات ولایت و دوستی کا صدور ہوا مکے میں ان کے رشتہ دار نہیں تھے دوست احباب نہیں تھے وہ ایمان لا کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے لیکن ان کا اپنا کنبہ قبیلہ مکے میں تھا بال بچے مکے میں تھے آل اولاد سے آدمی کو ہمدردی ہوتی ہے بالخصوص جب کہ وہ ایسے جگہ پر چھوڑ دیے گئے ہوں جہاں ان کا اپنا کوئی نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ وہ جو پرائے ہیں ذی اقتدار ہیں سردار ہیں ان سے کوئی ہمدردی کی جائے اور اس ہمدردی کے عوض میں اپنے بال بچے اور مال و منال کی تحفظ کو حاصل کیا جائے یہ ایک بشری کمزوری اور بشری حاجت اور بشری ضرورت تھی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور انہوں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی خفیہ اور نہایت رازدارانہ جنگی تیاری کے سلسلے میں جو آپ نے بہت محفوظ رکھا تھا بلکہ اللہ پاک سے دعا بھی کی تھی
कि जब तक हम तैयार ना हो जाएं अहले मक्का को इसकी खबर ना होने पाए। उन्होंने खबर कर दी अहले मक्का को, ये खबर पहुंचने तो नहीं पाई। उससे पहले वही आ गई और हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि राज फाश होने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा को मक्के के रास्ते पे दौड़ाया और वही की मदद से उनको निशानदेही की कि एक औरत जा रही है मक्के की तरफ, उसकी शक्ल शबाहत सूरत हाल ऐसी है, उसको रोको और उसके पास जो खत है वो वापस लेकर। चुनाचे सहाबा पहुंचे और उससे खत तलब किया। उसने पहले टालमटोल किया, इनकार किया, लेकिन जब सहाबे किराम ने धमकी दी और कहा कि अगर शराफत से नहीं दे दोगी तो फिर हम झड़ती लेंगे, कपड़े उतारने पड़ेंगे, यकीन था कि खत तो है क्योंकि नबी ने कहा है कि लेके आओ, इसलिए उसके झूठ बोलना ही था, सच का कोई एहतमाल नहीं था। औरतों में हया होती है, शर्म होती है, उनको ऐसी ही नफसियाती धमकी दी गई कि वो काम गई। और उसने कहा कि भाई अकेली हूं, परदेश में हूं, सरे राह पकड़ी गई हूं, अगर ज्यादा नखरे करूंगी तो खुदा ना खास्ता कोई जिल्लत और रुसवाई की बात ना पेश आ जाए। इसलिए उसने फौरन से अपने बालों के जोड़े में हाथ डालकर उसमें छुपाया हुआ खत निकाला और निकाल के हवाले कर दिया मुसलमान। मुसलमान वो खत लेकर आए, हज़रत अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़वाया। बस उन्होंने ये खबर दी थी कि हज़रत अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कि इसी तैयारी को हुजूर छुपा रहे थे और राज में रखे हुए थे, मख्फी रखे हुए थे। ये जंगी हिकमत अमली थी कि वक्त से पहले दुश्मन को संभलने और तैयार होने का मौका न दिया जाए। उन्होंने इसके खिलाफ कर दिया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हमेशा साथ ही रहते थे। उस वक्त भी हजरत उमर साथ ही में थे। हरकत बहुत खतरनाक थी, गुस्सा आने के काबिल थी, सख्त सजा के लायक थी। हजरत उमर का गुस्सा बजा था। उन्होंने इजाजत तलब की कि या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि नबी के साथ खयानत मुनाफिक ही कर सकता है, मोमिन कैसे करेगा। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि हातिम मुनाफिकीन में से नहीं है, मुखलिस मुसलमान है। गलती हुई है, गलती मुखलिस मुसलमान से भी हो सकती। पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, बात दरअसल यह है कि जितने भी मुहाजिरीन यहां मदीने में हैं, इनके मक्के में अपने रिश्तेदार हैं, इनके बाल बच्चों के हमदर्दी करने के लिए उनका खानदान है, उनका कबीला है, वहां सब एक दूसरे के अजीज होते हैं। मैं मक्के में मक्की नहीं हूं, मक्के में आके बसा हुआ हूं, मेरा कोई खानदान कबीला वहां पर नहीं, मैं तो हिजरत करके आ गया और मेरे बाल बच्चे वहां पर थे, मेरा मकान, मेरी सामान थे। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं मक्के के सरदारों के साथ हमदर्दी का मामला करूं तो वो लोग मेरे खानदान और कबीले के साथ हमदर्दी का मामला करेंगे,
इस तरह मेरे बाल बच्चे महफूज हो जाएंगे उनके जुल्म से। रह गया आपका मामला, तो आप तो खुदा के नबी हैं, आपको कभी भी हार होने वाली नहीं। मुझे यकीन था कि आप तो फतेहयाब होंगे, लेकिन ये मेरा एक काम निकल जाएगा अगर मैं ऐसा ऐसी हमदर्दी कर दूं इनके साथ। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके इस जवाब को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया कि भाई एक बात जहन में आई है, अगर चेके ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसके पीछे मुनाफकत कुछ नहीं, इसके पीछे नबी से बगावत और अदावत नहीं। एक सच्चा मुसलमान है, अपने ईमान पर साबित कदम है, अपनी एक दुनियावी मनफात के खातिर, एक बशरी कमजोरी की वजह से उसने ऐसी हरकत की। चुनाचे हजरत अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ नहीं कहा, अल्लाह के हवाले कर दिया। उनको भी बेचारों को बड़ा एहसास अब हुआ और अपनी गलती पर नादिम हुए। ये तफसीली वाकया है, इबरतनाक है, सबक आमोज है, सहाबे किराम की खुलूस और लिल्लाहियत और उनके दीन की अजमत और पुख्तगी पर मबनी है। लेकिन ये गलती सबके सामने आई और उन्होंने भी जो कुछ किया वो अगरचे के गलती से किया, कसदन और शरारतन नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने वही नाजिल फरमाई मुसलमानों को ऐसे मौके पर जब आजमाइश की सूरत हाल हो जाए, जब अपना और अपने बाल बच्चों का तहफ्फुज भी मुश्किल हो जाए, जब खतरे मंडलाने लगे कि हमारे दीन का, हमारे ईमान का और खुद हमारी जान का क्या होगा, हमारी जायदादों का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, तो उस वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे हसना को सामने रखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवे हसना ही है कि उनके वालिद ने, उनके वक्त के बादशाह ने, उनके कबीले और खानदान ने, सब लोगों ने मिलकर उनकी मुखालफत की और उनके मुकाबले में इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला शानहु की तौहीद और अल्लाह ताला की वफ़ात के मामले में कोई समझौता नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, खानदान छोड़ा, वालिदैन से जुदा हुए, वतन से बेवतन हुए, आग में डाले जाने की आजमाइश को गवारा कर लिया, सिर्फ अपने एक भाई और अपनी बीवी को लेकर के हिजरत करने पर मजबूर हुए, और किन किन हालात से गुजरे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी किस्म की बेवफाई नहीं की। मोमिनीन को भी ऐसा ही रहना चाहिए कि हालात कितने ही मुखालिफ हो जाए, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला के मुकाबले में वक्त रखती है, अहमियत रखती है। क्या माँ बाप अल्लाह से बढ़कर हो सकते हैं? क्या औलाद अल्लाह से बढ़कर हो सकती है? क्या बीवी बच्चे अल्लाह से बढ़कर हो सकते हैं? क्या जायदाद जागीर अल्लाह से बढ़कर हो सकती है? अल्लाह की रिजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की आता करी की जाने वाली नेमतें
इनके मुकाबले में दुनिया में कौन सी चीज है जो मुकाबले पे लाके खड़ी की जा सके, और फिर उसकी वकात अल्लाह ताला से भी बढ़कर हो जाए, उसकी वकात जन्नत से भी बढ़कर हो जाए, और उसकी वकात आखिरत की नेमतों से भी ज्यादा हो जाए, जहन्नम से बचने की नेमत से भी बढ़कर हो जाए, कौन सी चीज है? या अय्युहन नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, लोगों किस चीज ने तुमको रब्बे करीम से गफलत में डाला है? कौन सी चीज है? कोई चीज वैल्यू होती है, एक तरफ अल्लाह ताला की वैल्यू है, इसके मुकाबले में देखो वैल्यू किस चीज की, कौन सी चीज है? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज है जिसने रब्बे करीम के मुकाबले में तुमको गफलत में डाला है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन माशा रक्कबक, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, बात दरअसल ये है कि तुम्हें क़यामत ही का यकीन नहीं। क़यामत का यकीन होता तो अल्लाह से गफलत में ना पड़ती। कौन सी चीज धोखे में डालती है? सीमो ज़र धोखे में डालते हैं, जमीन व ज़न धोखे में डालते हैं, हुस्न व जमाल अल्लाह से गाफिल कर सकते हैं, दुनिया की रंगरलियां रानाइयां खूबसूरतियां आदमी को अल्लाह से गाफिल कर सकती हैं, माल और मनाल अल्लाह से गाफिल कर सकते हैं, हुस्न व जमाल अल्लाह से गाफिल कर सकते हैं, औरत बाल बच्चे खानदान फैमिली, कौन सी चीज है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो अल्लाह के मुकाबले में ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाए? जिसने गैरुल्लाह को अहमियत दी उनसे अल्लाह पूछ रहा है, या अय्युहन नास, ए मुशरिको ए काफिरो, ए अल्लाह ताला की वैल्यू घटाने वालों, किस चीज ने तुमको धोखे में डाला? तुम ज्यादा अल्लाह को न पहचान सके तो भी कोई बात नहीं, इतना तो जानते हो कि उसने ही तुमको पैदा किया और तुमको ठीक ठीक बनाया और तुम्हारे पूरे जिस्म को मोतदिल तरीके से मुरत्तब और मुसव्वर किया, एक कान ऊपर एक कान नीचे नहीं है, एक आंख सामने एक आंख पीछे नहीं है, दोनों पैरों में अगर एक सेंटीमीटर का भी फर्क हो जाए तो उसका चलना मुश्किल है। उसको दूसरी जानिब एक ऐसा जूता पहनाना पड़ेगा जो एक सेंटीमीटर बड़ा हो, तब चल सकेगा। फादला का हर चीज ठीक ठीक दुरुस्त बनाई, सवा का फादला का फिर उसके बाद फी अय्यि सूरतिन माशा, उसने जो शक्ल बनानी चाहिए वो शक्ल बनाई, किसी की शक्ल से मिलती जुलती हो ये मुश्किल है। कभी कभार लाखों करोड़ों में कोई किसी के मुशाबे होता है, लेकिन साइंस ने ये बात साबित कर दी कि उनकी आंखें मुशाबे नहीं हो सकती। किसी की आंख किसी के मुशाबे नहीं हो सकती, किसी की उंगलियों के निशान किसी दूसरे के उंगलियों के निशान के मुशाबे नहीं हो सकते। कितनी बारीक नसें हैं जो लकीरें बनी हुई हैं अंगूठे के ऊपर, पूरी कायनात के अरबों खरबों इंसानों को अगर एक अंगूठे में आजमाया जाए तो किसी का थम किसी के मुताबिक नहीं हो सकता। ये दुनिया मान चुकी है, तस्लीम कर चुकी है, इसीलिए उसको आईडी तस्लीम कर लिया है। फी अय्यि सूरतिन माशा रक्कबक, दुनिया में कोई ऐसी चीज है
अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुछ भी ना सोचता इंसान, सिर्फ इतना ही सोच लेता जो उसकी आंखों को नजर आ रहा है। आईने के सामने खड़ा होता है तो खुद को खुद दिखाई दे रहा, अपने ही को देख लेता तो भी उसे अल्लाह के मुकाबले में कोई और महसिन नजर ना आता, अल्लाह के मुकाबले में कोई और काबिल कद्र दिखाई ना देता। सबसे ज्यादा कद्र, सबसे ज्यादा कीमत उसकी नजर में सिर्फ अल्लाह ही की होती। लेकिन बंदे ने तो इतना भी नहीं देखना गवारा किया, जिसके लिए किसी इल्म की भी जरूरत नहीं, किसी सनद की जरूरत नहीं, अपनी आंख से अपने आप को देखो और उसके बाद अपनी इस हिमाकत पर, जहालत पर, नादानी पर और जुल्म इनाद पर मातम करो कि कैसे तुमने अल्लाह को भुला दिया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इतनी निशानी काफी थी। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबक, इतनी निशानी काफी है कि बंदा मान ले कि मेरा कोई खालिक और मालिक है, और जब वही खालिक है और वही मालिक है तो वही माबूद है और वही झुकने के काबिल है, वही हाथ उठाने के काबिल है, वही मांगने के काबिल है, वही उम्मीद रखने के काबिल है, वही डरने के लायक है, वही दुआओं का मुस्तहिक है, सब कुछ वही। लेकिन आदमी इतना गौर करने के लिए भी तैयार नहीं। ये छोटा प्राइमरी सबक है अल्लाह ताला ने जो दिया है। आम आदमी, काफिर भी गौर कर ले सकता है इसके अंदर। इसके लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला को पहचानना और अल्लाह ताला की ज़ात आली के वजूद और उसके एहसान को मानना, इसके वास्ते किसी पीएचडी की जरूरत नहीं। इतना ही सबक अल्लाह ने दिया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबका, बस इतना सबक, इतना सबक सबके वास्ते है। ईमान वाला बेईमान, खिताब तो अल्लाह मक्का के मुशरिकों ही से कर रहे हैं, कोई ईमान वालों को थोड़ा ही सबक पढ़ा रहे हैं, बेईमानों से ही पूछ रहे हैं। बेईमान भी अगर इतना गौर कर ले, अपनी ही सूरत अपने आईने में देख ले, तो वो खुदा से गाफिल नहीं हो सकता, वो खुदा ताला का बंदा बन जाएगा। अल्लाह की बंदगी को कबूल करने, अल्लाह की माबूदियत को कबूल करने, अल्लाह की हाकिमियत को कबूल करने, अल्लाह की खालिकियत को कबूल करने के लिए ये छोटा सा सबक है जो अल्लाह ने दिया, सबको दिया। सारी दुनिया इसमें गौर कर ले और सारी दुनिया खुदा की चौखट पर आ जाए अगर गौर कर ले इसके। तो अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने ये बताया कि देखो ये जो मेरे बंदे इब्राहिम है ना, इनकी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है। वैसे तो उम्मत मुस्लिमा के लिए, उम्मत मुस्लिमा के नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे अफजल नबी, सबसे आला नबी, वो काफी है उसवे हसना। इसलिए दूसरी जगह जिंदगी अपनी गुजारने के सिलसिले में ईमान, अकीदा, मामलत और माशरत को दुरुस्त करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। ये रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए सर से लेके पैर तक, सुबह से लेके शाम तक, महद से लेके लहद तक उसवे हसना है। इत्तेबा उन्हीं का करना है, इख्तियार उन्हीं को करना है, अहकाम उन्हीं के चलने, शरीयत उन्हीं की रहेगी कयामत तक। लेकिन हजरत इब्राहिम का जो अल्लाह ने उसवे हसना पेश फरमाया है, वो एक खास पस मंजर में और एक खास सबक देने के वास्ते। कभी कभी
आदमी पर ऐसे हालात आते हैं, नबियों को सामने रखने की जरूरत होगी। फबेहुदा हो मुक्तदी है, ये सारे अंबिया हैं जितने भी हुए हैं सवालात, फबेहुदा हो मुक्तदी है, ऐ नबी आप उनके उसवे हसना की इब्तिदा कीजिए। हालांकि हमारे नबी का उसवा उनके उसवा से आला और अशरफ है, लेकिन ये बताना चाहा कि तमाम अंबिया एक बिरादरी हैं और सबका अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत है और उनसे सबक लो, किसी से भी लो। एक खास चीज हजरत इब्राहिम की जिंदगी में है कि वो गैरुल्लाह से जब भी मुकाबला हुआ तो अल्लाह के ही साबित हुए। ऐसा नहीं कि उनके बाद के नबियों में ऐसा नहीं था, लेकिन खास उनकी जिंदगी में ऐसे अहवाल आए, ऐसी आजमाइशें आई, ऐसे इम्तिहानात आए जहां हर जगह वो फअतम्महुन, जहां खुदा ने आजमाया वहां वो साबित कदम निकले, जहां अल्लाह ने आजमाया कि इब्राहिम मेरी मोहब्बत ज्यादा रखता है या मेरे गैर की, तो अल्लाह को इल्म मुशाहदा में पता चल गया कि वो अल्लाह के गैर को कहीं भी तरजीह नहीं दे सकते। अल्लाह का इल्म तो मुहीत है, अल्लाह को ऐसा नहीं था कि उसके बाद मालूम हुआ। जब हजरत इब्राहिम अपने अब्बा के झिड़क देने पर और अपने अब्बा के वतन से निकाल देने पर निकल गए तो अल्लाह को मालूम हुआ कि नहीं मजबूत है इब्राहिम, ऐसा नहीं। जब अपने बेटे को ज़िबह करने ले गए तब पता चला कि इब्राहिम के दिल में बेटे की नहीं मेरी मोहब्बत ज्यादा है। ऐसा कुछ अल्लाह को बाद में नहीं पता चलता, अल्लाह तो पहले से जानता है, आइंदा क्या होने वाला सब मालूम है अल्लाह। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि लिया अलमा, ताकि अल्लाह जान ले। कैसे जान ले? इल्म मुशाहदत, अमलन देख ले अल्लाह ताला, जो अल्लाह का इल्म है उसके अमलन देख ले अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसलिए अल्लाह ताला ने अमलन देखा। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जबकि आजमाया इब्राहिम को उनके रब ने कुछ आजमाइशों में, तो वो हर जगह कामयाब हुए नाकाम नहीं हुए। ये चीज उम्मतों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मुअस्सिर, इसलिए कुरान में जगह जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात को बयान फरमाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने जगह जगह उनके वाकयात बयान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने कुरान मजीद में, आप पढ़ते हैं अभी ज़िलहज का महीना चल रहा है, पूरे महीने में जगह जगह हजरत इब्राहिम के उसवा और हजरत इब्राहिम की सीरत और हजरत इब्राहिम के अहवाल पर प्रोग्राम होते रहे, जलसे होते रहे, सोशल मीडिया पर बहुत से उलमा ने हजरत इब्राहिम की वफादारियों के बहुत से पहलू नकल किए और जलसों में, मस्जिदों में, जुमे के खुतबों में इस महीने के दौरान सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बार बार तस्किरा आया और बेशुमार तस्किरा, और हर साल रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वाकई हजरत इब्राहिम और जिन लोगों ने उनका साथ दिया था वो सब उसवा बनाने के काबिल है। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लदीन माह, हमसे कहा जा रहा है मुखातबीन कुरान से, लकुम कद कानत लकुम, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी साबित कदमी के वास्ते, तुम्हारी इस्तेकामत के वास्ते,
तुम्हारे कदमों को जमाने के वास्ते तुम्हें दुश्मन के मुकाबले में बुजदिली से बचाने के वास्ते कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह, मजबूत हसीन खूबसूरत उस्वा है, बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए। कैसे? इज कालू लिकौमिहिम, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कह दिया, जब तमाम तर उम्मीदें खत्म हो गई हिदायत की, तो उनसे कह दिया, इन्ना बुराआ मिनकुम वमिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम आप लोगों से बरी हैं और जो कुछ आप शिर्क कर रहे हो शिर्क से भी हम बरी। कफरना बिकुम, हमने आप लोगों को के दीन का इनकार कर दिया, तुम्हारे अकीदे हमें कबूल नहीं, हमने इसको झुटला दिया है, इससे इनकार कर दिया है। वबदा बैनना वबैनकुम अलअदावतु वलबग़्ज़ा, महज इस वजह से कि हम मुवहिद हैं और तुम मुशरिक हो, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है, ये अदावत और बग़्ज़ की दीवार है, ये कभी गिरने वाली नहीं है, अबदन हमेशा के लिए ये है। कब तक के लिए है? हद है उसकी, और वो हद ये है, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, यहां तक के तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान ले आओ, तब हम तुम आपस में एक दूसरे के भाई। जब हजरत इब्राहिम को उस्वा हसना बनाया गया तो हजरत इब्राहिम की जिंदगी के हसीन लम्हात में और उनकी सीरत और उनकी तारीख के कदम कदम पर हर पहलू में हमारे लिए नमूना था, तो एक ये भी मिलता है कि उन्होंने अपने मुशरिक बाप के लिए अल्लाह से दुआए मगफिरत की थी। तो अहले कुरान ये समझ लेते कि ये भी तो उनका उस्वा है, और इस वजह से अगर खुदा ना खास्ता किसी का बाप शिर्क पर मर गया तो वो उसके लिए दुआ करता रहे कि अल्लाह बख्शिश कर दीजिए, अल्लाह बख्शिश कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने इब्राहिम को उस्वा हसना बनाया और इब्राहिम के उस्वा में ये भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने उसका इस्तिस्ना कर दिया। इल्ला कौल इब्राहिम लिअबीही लअस्तग़फिरन्ना लका, ये जो उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत करूं, अल्लाह से मगफिरत की दुआ करूं, सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी, मैं आपके लिए अल्लाह से मगफिरत तलब करूंगा, ये जो एक बात उनकी उस्वा में है ये एक मुस्तस्ना है, बाकी सब उनका उस्वा अपने सामने, ये एक बात मुस्तस्ना है, इसलिए कि मुशरिक के लिए दुआ करने के उनको भी मना कर दिया गया था बाद में, इस वजह से आप लोग उसको उस्वा में मत लो, वो छोड़ दो, वो छोड़कर बाकी सारी जिंदगी हजरत इब्राहिम के सामने रखो। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी हम सामने रखेंगे तो कितने ही सख्त हालात हों, चाहे कितना ही मुश्किल जमाना हो, चाहे शिर्क सर चढ़ के बोल रहा हो, आपके लिए उस्वा हसना हजरत इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम की तरह साबित कदम हो जाओ और उनको सामने रखो, उनके हालात पढ़ो, कुरान में तदब्बुर करो, जहां जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है बतौर खास उसको पढ़ो, उन दिनों में जब शिर्क सर चढ़ के बोल रहा, उन दिनों में जब शिर्क से अमन खत्म हो चुका हो, अहले तौहीद पर मुसीबत के बादल छा रहे हों, मुसीबत की अंधेरा छा रहा हो, ऐसे वक्त में अहले तौहीद को बतौर खास कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानना चाहिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद के वाकयात और कसस को करीब जमाने में हमारे अकाबिर उलमा में से
حضرت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمہ اللہ جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے قابل فخر شاگرد تھے، بہترین محدث تھے، مفسر تھے، مؤرخ تھے، قصص القرآن کے نام سے کتاب لکھی 4 جلدوں میں، قصص القرآن، جتنے واقعات قرآن مجید میں آئے ہیں سارے واقعات کی تاریخی تحقیق کے ساتھ احادیث صحیحہ کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیروں کو سامنے رکھ کر مکمل سیرت اس واقعے کی اول تا آخر انہوں نے جمع کر، چاہے نبیوں کے واقعات ہوں، چاہے ولیوں کے واقعات ہوں، چاہے انبیاء کے دشمنوں کے واقعات ہوں، کسی کے بھی ہوئی، اس کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا۔ لفظ قصص، قصہ، اگر قرآن میں کوئی قصہ ہے اس قصے کو انہوں نے جمع کیا۔ کیوں کیا؟ اس واسطے کہ وہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، قرآن میں جو قصے ہیں یہ عقل مندوں کی عبرت کا سامان ہے، عقل مندوں کے ایمان و یقین کے مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے، عقل مندوں کی استقامت فی الدین کا سبب ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ ایک کوا تھا، پیاسا تھا، ایک چوہا تھا، دم میں کانٹا چپ گیا تھا، یا یہ کہ آج کل جو کہانیاں موبائلوں میں، ٹی ویوں پر فرضی من گھڑت بنا بنا کے لائے جاتے ہیں، ما کانا حدیثا یفترا، قرآن میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو گڑھا کر کسی نے کہا، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے۔ جب ایک حرف، ایک کلمہ، ایک لفظ نہیں ہو سکتا، ایک جملہ نہیں ہو سکتا، ایک پورا قصہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ للعالمین، ایک ایک واقعہ انسانوں کے واسطے عبرت ہے، سبق ہے، موعظت ہے، بشرطے کہ عقل سلامت ہو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم آپ کو قصے تو بہت لوگ سناتے ہیں، ہم احسن القصص سنائیں گے۔ مکہ میں نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط ایسے لوگ تھے جو مالدار تھے اور سردار تھے۔ جب قرآن نازل ہونے لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنانا شروع کیا اور قرآن سے لوگوں کے قلوب متاثر ہونے لگے اور ان کے دل بدلنے لگے تو بڑا ڈر لگا سرداروں کو کہ کہیں یہ قرآن سن سن کے سارا مکہ ہی مسلمان نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ذہنوں کو بدلنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے جا رہے تھے ملک شام، ان کو پیسہ دے کر ان کے ذریعے سے قیصر اور کسرا کے، یعنی شاہان روم اور شاہان ایران کے کہانیوں کی تاریخیں منگوائی، کتابیں تھیں اس زمانے میں قیصر و کسرا کی کہانیوں پر مشتمل۔ قیصر ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، قیصر روم کے ہر بادشاہ کا لقب ہے، کسرا ایران کے ہر بادشاہ کا لقب ہے، یمن کے ہر بادشاہ کو تبع کہا جاتا، ایسے مختلف بادشاہوں کے القاب ہیں۔ تو قیصر اور کسرا
इनके वाकयात और इनकी कहानियों पर मुश्तमिल किताबें मंगवाई और मक्के में बैठकर उन लोगों को जो हुजूर अली सलाम से मिलते थे जोड़ जोड़ करके सुनाना शुरू किया। दरवाजा बंद कर दो, ये साहब किसकी तलाश में है, नाम बोल दो तो उठ के चले जाए, तुम्हारी वजह से सबका काम खराब है, किसको ढूंढ रहे हो। तो अब मक्के में हरम शरीफ के अंदर लोगों को जमा करके ये कहानियां सुनाई जाती थी। ये कहानियां सिर्फ इसलिए सुनाई जाती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है ये कुरान ना सुन सके। और यूं कहते थे कि वहां जाके उनकी बातें सुनोगे तो अमल करना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, खानदान से बिछड़ जाना पड़ेगा, तने तनहा हो जाना पड़ेगा, हमारे पास आओ हम तुमको चाय पानी भी पिलाएंगे और कहानी भी सुनाएंगे। कहानियां ही सुनना हो तो हमारी मजलिस में बैठो। और कहते थे कि वो जो सुनाते हैं ना वो कोई खुदा का कलाम थोड़ा ही है, इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों की कहानियां हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, ये कहानियां नहीं है, ये असातिरुल अव्वलीन नहीं है, ये वो बेहतरीन किस्से हैं जिसको लोगों ने भुला दिया और फरामोश कर दिया। ऐ नबी, आप भी एक उम्मी बंदे हैं हमारे, इस वजह से وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, आपको भी हमारे बताने से पहले नहीं मालूम था। अब ये जितने किस्से कुरान में हैं खुदा के बताए हुए, जब खुदा ताला ने ये किस्सा बयान किया है तो कोई तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह पाक कोई फजूल और बेकार काम करता है। पिल्लर वाले साहब को जरा सही कर दो, इनकी बेअदबी से हमको सुनाना मुश्किल हो रहा है। जब से बात शुरू हुई है जब से ऐसे ही बैठे हुए हैं ये साहब, महफिल में आए हो या यहां कुछ खेल तमाशा करने आए हो, कमर सीधी नहीं है तो इस पे बैठो कुर्सी पे। बस शैतान ये कोशिश करता है ना कि ये इतनी अहम मजलिस होती है वो डिस्टर्ब होती रहे, बस ये गाफिल आता वो गाफिल आता वो गाफिल आता है, गाफिलों से डिस्टर्ब होती रहती। हम कोई गाने थोड़ी गा रहे हैं भाई, हम अल्लाह की बात बता रहे हैं, दीन की और कुरान की बात बता रहे हैं, गाने नहीं गा रहे हैं, ड्रामा नहीं कर रहे हैं। यहां पर जितना अदब से तहजीब से बैठोगे अल्लाह दिल में बात डालेगा, और जितने गुस्ताख बनोगे महरूम करके निकाले जाओगे। और औरतें भी बातें करते बैठेंगी तो कुछ अल्लाह नहीं देगा, सुनोगी ढंग से तो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे और दिलों को हिदायत देंगे। औरतों से बैठना नहीं होता, खैर खैरियत पूछना, ये किसकी बच्ची है वो किसकी बच्ची है ये मालूम करना, इसके लिए बयानों में आते हैं। और मकसद हिदायत लेना नहीं होता, मकसद अपने बेटे के लिए बेटी ढूंढना होता है दीनी मजलिसों में जाने का। सब छोड़ो तवज्जो दो अल्लाह रसूल की बात गौर से सुनो, इसी को मकसूद बना के आया करें हमारी बहनें बेटियां, और इसी गरज से आए और यही काम करें। उसके लिए सियासत के दफ्तर में दू बदू प्रोग्राम होता है, वहां जाके देखो सब बच्चियां, यहां पर सिर्फ सुनने के लिए आओ, दीन की बात अल्लाह के वास्ते आओ और अल्लाह का दीन लेने के लिए आओ बस, और कोई गरज नहीं होनी चाहिए। जो जिस गरज से आएगा अल्लाह ताला उसको वही दे दे। हदीस कल पढ़ी गई थी जिसमें यह बताया गया जो शोहरत चाहता है शोहरत मिलेगी,
और जो शख्स दिखावा चाहता है दिखावा मिलेगा, जो अल्लाह को चाहता है अल्लाह मिलेगा, बस। तो दीनी मजलिसों में बाद औरतें बस इसी गरज से आती हैं, इसलिए इससे दोस्ती करके, उससे बात पूछ के, उसका फोन नंबर लेके, उससे ये करके, इससे ये करके, ये तमाशे करते, ना खुद सुनती ना दूसरों को सुनने देती, मन्नाउल लिल खैर बन जाती। इसलिए डरना चाहिए औरतों को जो दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस है। गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो अल्लाह की बात, और सिर्फ हिदायत की नीयत से आया करो, किसी और गरज से इन मजलिसों में नहीं आया करो। मर्द आते हैं सब वो इसी काम से आते हैं, औरतों की नीयतें अलग अलग हैं। इसलिए औरतों को ज्यादा जरूरत है नीयतों को सलामत करके सिर्फ अल्लाह के वास्ते आने की। अब दुनिया सारी पा रहे हो, खुदा को पाने का भी तो कभी इरादा करो। इकबाल ने कहा है कि खुदा से, खुदा को छोड़ के सब ले लिया, अल्लाह से हर चीज ले ली और अल्लाह ही को नहीं लिया, बस। ये हम लोगों की हालत हो गई है। तो ये वाकयात कुरान मजीद के हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी ने जमा फरमा दिया। बड़ी अच्छी किताब है, लेकिन जरा इल्मी हो गई है आज के जमाने के हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से वो इल्मी अंदाज की, क्योंकि वो खुद बड़े मुहक्किक आलिम दीन थे, मगर उस जमाने के आम मुसलमान भी उसको पढ़ सकती थी। अब पूरी दुनिया में पजीराई हुई, पूरे मुल्क में लोगों ने कदर की, उस जमाने के लोग इतनी उर्दू जानते थे उस जमाने के, इस जमाने के लोगों को इतनी उर्दू नहीं आती, कम से कम उलमा पढ़े उसको। अब पढ़ करके आवाम की फहम के मुताबिक वाकयात और कसस सुनाया करें, ये वाकयात और कसस ही हिदायत का सबब है। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نحن نقص عليك أحسن القصص كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك। आज के इस दौर में माओं को चाहिए कि वो खुद पढ़े अंबिया के वाकयात, कससुल अंबिया। अरबी मुअर्रिखीन ने भी इस पर किताबें लिखी, उर्दू में भी कससुल अंबिया, और छोटी छोटी किताबें नबियों के वाकयात पर मुश्तमिल उर्दू जुबान में भी लिखी गई, लेकिन पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया, सुनने का सुनाने का रिवाज खत्म हो गया घरों में। सबसे ज्यादा मुअस्सिर जो चीज है वो कुरानी वाकयात है और कससुल कुरान। जब हम इसको बच्चों के सामने सुनाएंगे, इंसानी फितरत और इंसानी बचकानी नफ्सियात ये है कि वो किस्सा बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, मनगढ़ंत झूठे कसस सुनाने के बजाय अहसनुल कसस सुनो, बेहतरीन सच्चे वाकयात जो अल्लाह ने अपने इल्म से बंदों के नबी के जरिए बंदों को दिए, कुरान में मौजूद है ये वाकयात। इन वाकयात में कोई मसला नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई बहुत इल्मी बात नहीं, नुक्ता आफरीनी उलमा का काम है, वो करते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे से किस्सा सुन। एक किस्सा, इस किस्से में जो अल्लाह की तरफ से इबरत है वो इबरत सुनाना है, इबरतुल लिउलिल अल्बाब, ये इबरतें सुनाना है ताकि इससे बंदों का खुदा से ताल्लुक मजबूत हो जाए। जितना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा उतना हमारे पैर दीन पर साबित रह सकेंगे, और जितना अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होगा इस्तेकामत मुश्किल है दीन के ऊपर। हज़रत अलैहिस्सलाम से पूछा गया, कुछ नसीहत फरमा दीजिए मुख्तसर सी, नसीहत कीजिए और मुख्तसर कीजिए, तो बहुत मुख्तसर कर दी मगर इतनी जामे कि अब उसमें और कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं।
फरमाया कुल आमंतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम। औसिनी वाउजिज या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए और मुख्तसर सी कीजिए, इतनी मुख्तसर कि अब उससे कम कलमात में तो बोलना भी मुश्किल है, इतनी मुख्तसर। कुल आमंतु बिल्लाह सुम्मा इस्तकीम, ये कहो कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फिर साबित कदम रहो, मौत आने तक, खत्म। इतनी नसीहत की। अब इस नसीहत में कोई और भली बात बढ़ाना चाहे तो बढ़ाने की गुंजाइश भी नहीं, जो कुछ हो सकता था हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसमें बयान किया। आज हमारे लिए यही मसला है, हम सब आमंतु बिल्ला कह चुके हैं, लेकिन चाहा यह जा रहा है कि हम साबित कदम न रह सके, हमारे कदम लड़खड़ाएं, हमारे पैर लग्जिश करें, हम हट जाएं आमंतु बिल्लाह से। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा, अहले किताब भी यही चाह रहे हैं, उनकी अक्सरियत ये चाह रही है, क्योंकि अहले किताब में थोड़े लोग हर जमाने में अच्छे, और अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ लोगों को मुस्तस्ना कर दिया है, और वो जो मुस्तस्ना है वो कौन है, ज़ालिका बि अन्न मिन्हुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, जो अहले किताब मुतकब्बिर नहीं है, और जो अहले किताब जो भी अपनी आसमानी तालीम मौजूद है उसके मुताबिक रहना चाहते हैं, ये गैर मुतकब्बिर अहले किताब को छोड़कर जितने मुतकब्बिरीन ईसाई हैं और जितने मुतकब्बिर यहूदी हैं, ये सब चाहते हैं लो यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा, तुम लोगों को मुसलमान बनने के बाद मुर्तद करके काफिर बना दे, सबको काफिर बना देना चाहते हैं, किसी को मुसलमान देखना नहीं चाहते। और अब हमारे मुल्क के अंदर जो ब्राह्मणवाद है, जिसकी शिनाख्त मुल्क में आरएसएस के नाम से है, और जिसके जच्चे बच्चे बेहिसाब हैं, ये सब मिलकर मुल्क में चाहते हैं कि मुल्क के 25-30 करोड़ मुसलमान वो पीछे हट जाएं, अपने ईमान पर साबित कदम ना रहे, इतनी आजमाइशों में डालो, इतने हालात बिगाड़ो कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत इस्लाम का दामन छोड़ देने के लिए तैयार हो जाए, और अगर ये तैयार ना हो तो इनको तो सिर्फ तंग करो परेशान करो, लेकिन इनके बच्चों को तालीम के नाम पे मुर्तद बना, ताकि अगली नस्ल पूरी की पूरी शिर्क से हम आहंग हो जाए। एक पूरी नस्ल को बर्बाद करने का मंसूबा है ये जो 2023-24 से चलाया जाने वाला निजाम तालीम है इस मुल्क का। यह निजाम तालीम अइम्मतुल कुफ्र का बनाया हुआ है, और अइम्मतुल कुफ्र की आरजू यह है कि मुल्क में इस्लामी शिनाख्त खत्म हो जाए, इतने मजबूर कर दिए जाएं, इतने नजरअंदाज कर दिए जाएं, इतने पसमानदा कर दिए जाएं, और इस कदर हकूक से महरूम कर दिए जाएं कि अपनी रोजी रोटी के खातिर अपने दीन से हाथ धो बैठे, अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाए। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, जितने मंसूबे कानून बन रहे हैं, जितने बिल पास हो रहे हैं, टारगेट पे मुसलमान है और कोई नहीं, सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ बिल है, जितने बिल बनते हैं, बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ है, उसको सेकुलर तरीके पे बना करके पास कराया जा रहा है, लेकिन पीछे जो जज्बा कार फरमा है वो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने मिटाने का जज्बा है। ऐसे में अगर मुसलमान कुरान को उसवा नहीं बनाएंगे,
अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने सामने नहीं रखेंगे, कससुल कुरान से इबरत नहीं हासिल करेंगे और अपने बच्चों की कुरान मजीद की रोशनी में तरबियत नहीं करेंगे, तो फिर जो दुश्मन चाह रहा है वो बगैर किसी मुजाहिदे के उसको मिल जाएगा। उसे किसी लड़ाई की भी जरूरत नहीं है, किसी मुकाबले की भी जरूरत नहीं, बिला मुकाबला जीतेगा वो। और अगर हमने अपना रिश्ता कुरान से, कुरान करीम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत कर लिया और जोड़ लिया, तो फिर खाइब व खासिर हो गए। हमारा हर दुश्मन, हमारा हर हासिद, हमारा हर मुआनिद वो अपने मकसद में नाकाम होगा, सरनगू होगा, रुसवा, अगर ये उम्मत कुरान से जुड़ी हुई रहेगी, अगर ये उम्मत नबी के उसवे हसना से जुड़ी हुई होगी, अगर ये उम्मत फबेहुदा हो मुक्तदी पर अमल कर रही हो, नबियों को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला के उलुल आजम बंदे सहाबे किराम को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। लेकिन मुसलमानों को इस वक्त में किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। जो अपनी जगह जिस काम में लगा हुआ है बस उसी में मस्त मगन है। अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए, उनकी सबात के लिए, उनके मजबूत जमने के लिए क्या करना चाहिए वो भी कुरान रहनुमाई करता है, लेकिन कुरान तो हमारे सामने है ही नहीं। कुरान खुली किताब होना चाहिए था, कुरान बंद किताब। शेखुल हसन हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क की आजादी की जिद्दोजहद में बहुत बड़ा कायदाना किरदार अदा किया था, और इसी कोशिश के दौरान में हिजाज मुकद्दस में मुसलमानों ही की मुखबिरी से अंग्रेजों ने अरेस्ट किया हजरत को और उनके शागिर्द चंद शागिर्दों के साथ माल्टा में कैद कर दिया। बुढ़ापे के इस आलम में वहां पर मुकैद थे, सख्त सर्दी का इलाका जो हिंदुस्तान वालों के जवानों को भी बर्दाश्त न हो, इस बूढ़े आदमी को वहां पर बर्दाश्त करना पड़ा। इस मुल्क की आजादी की जिद्दोजहद में कुर्बानियां दी, इन्हीं कुर्बानियों में ये भी है, उनकी सीरत पढ़नी चाहिए, असीरे माल्टा के नाम से लिखी गई है। बड़ी अजियतें, बड़ी मशक्कतें, बड़ी तकलीफें उठाई, जेलर ने हर तरह के मजालिम ढाए उनके ऊपर और हर तकलीफ जो दे सकता था उनको देता रहा, लेकिन हजरत इससे घबराए नहीं और इस्तेकामत के साथ कायम रहे और मजबूत जमे रहे। फिर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब वहां से वापस तशरीफ लाए तो फरमाया कि माल्टा की कैद में जो सबक हमने सीखा है वो ये है कि मिल्लत इस्लामिया को कुरान से करीब किया जाए। जब तक ये मिल्लत कुरान से करीब नहीं होगी, इस मिल्लत का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। वही कुरान है जो जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया की जहालत मिटाई, वही कुरान जिसके जरिए सहाबा जैसी जमात तैयार हुई, वही कुरान जो इंसानियत को आज भी रहबरी और रहनुमाई कर सकता है, कर रहा है, ये वही कुरान है। लेकिन मुसलमान को दिलचस्पी नहीं कुरान से, कुरान पढ़ने वाले ढूंढने से मिलना मुश्किल, कुरान करीम का जौक नहीं, कुरान का शौक नहीं,
भाई कम से कम कससुल कुरान तो आम करो, कुरान के बहसों में मत पढ़ो। अहकाम समझना समझाना उलमा का काम, लेकिन कससुल कुरान से इबरत हासिल कौन नहीं कर सकता। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, यकीनन हमने कुरान को नसीहत के वास्ते आसान किया है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। अल्लाह ताला पूछ रहा है, बंदा हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं, मैं हूं, मैं नसीहत हासिल करना चाहता हूं कुरान से। अल्लाह पूछ रहा है, 1400 साल से पूछ रहा है अल्लाह ताला, फहल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। उलमा जानते हैं कि मुद्दकिर क्या है, फहल में मुज़क्किर, है कोई नसीहत कबूल करने वाला, है कोई इबरत लेने वाला। अल्लाह पूछ रहा है, लेकिन हम हाथ नहीं उठा रहे कि मैं हूं। अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपए बांटे जा रहे हैं, है कोई लेने वाला, तो सबके हाथ उठेंगे। लेकिन हिदायत दी जा रही है, हिदायत नामा दिया जा रहा है कोई लेने वाला, तो कोई भी लेने के लिए तैयार, कोई बंदा लेने के लिए तैयार नहीं। इस तरह मुसलमानों को कुरान से दूर करके मुसलमान को कमजोर ईमान वाला बना दिया गया। इस कमजोर ईमान की वजह से अब दुश्मन ला लाकर हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहे हैं। पता चल गया कि ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये कमजोर मोमिन है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो ताकतवर मुसलमान करता है, और ताकत कुरान की हमारे पास है ही नहीं। इसलिए हमको चाहिए कि हम कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, कम से कम कुरान मजीद की सही तरीके से तिलावत तो घरों में होती है, ये कम से कम, क्योंकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद को, खुसूसन ख्वातीन को, कुरान मजीद सही पढ़ना नहीं आता, और उम्रें गुजर जा रही हैं, उन्हें अपने कुरान को दुरुस्त करने तक का शौक नहीं पैदा। जो फैशन आता है अपनी उम्र को देखे बगैर भी फैशन इख्तियार करने को तैयार हो जाती है, लेकिन कुरान सीखने के लिए तैयार है। जो बूढ़े मर्द हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, बिना किसी ताखीर के एक दिन भी जाया किए बगैर अल्लाह की किताब को सही पढ़ना सीखो। बहुत से लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी दीन की बातें करते हैं, कुरान पढ़ना नहीं सीखते। कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखते, ये कुरान से इतनी दूरी क्यों है? क्या अल्लाह ताला ने तो दूर नहीं कर दिया? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूर कर दिया तो फिर हमारी महरूमी में कोई शक नहीं, अल्लाह बचा। लेकिन ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने दूर नहीं किया, अल्लाह तो बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है, पर हम अल्लाह की आवाज सुनने को तैयार नहीं, हम कुरान की तरफ लपकने को तैयार नहीं। इसलिए कुरान की तरफ आओ। कभी ऐसा होता है कि अल्लाह बुलाता है, बुलाता है, बुलाता है, बड़ी शान वाला है, बड़े इख्तदार वाला है, बहुत बेनियाज है, अगर गजब में आ गया तो धुतकार दिया, तो फिर कोई भी कबूल करने वाला नहीं। अल्लाह के बाद कौन है जो हमें कबूल कर सके? अल्लाह ताला ही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ में अल्लाह ताला से ही वारस किया कि अल्लाह ताला आप हमारे अल्लाह हैं, आप हमारे माबूद हैं, रब हैं, और कोई ऐसे रब नहीं है जो हमने गढ़ लिया हो, बल्कि हकीकत में आप हमारे रब हैं। ये यकीन बनाना था सहाबे किराम का, लोगों के जो माबूद हैं वो उनके गढ़े हुए हैं, उनके हाथों के बनाए हुए हैं। एक अल्लाह ऐसा है जिसको किसी ने गढ़ा नहीं है, वो खुद माबूद है, वो खुद रब्बे हकीकी है, रब्बे अकबर है।
लेकिन हम ये मारिफत अपने बच्चों में पैदा नहीं कर सकते। हर अला बला सिखाने को तैयार है, मारिफत रब सिखाने के लिए हम तैयार हैं। हमारा रब कौन है बच्चों को पहचान, कैसे पहचानेंगे? तो कुरान के कसर से पहचान। इसलिए इसकी तरफ ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। बड़े लोग ऐसी किताबें फराहम करें जिसमें कुरान के सच्चे वाक्यात और लिखने वाले मोतबर, और फिर उन सच्चे वाक्यात को खुद पढ़कर बच्चों को सुनाएं और समझाएं। एक नस्ल खतरे में है इस वक्त, बात नींद उड़ जाने की है, बात होश खता हो जाने की है, लेकिन सरे दस्तों हम कान पे जू भी नहीं रहे कि क्या करना है हमें अपने बच्चों के सिलसिले में। जो लोग भी यहां आते हैं उन्हें कुछ करना चाहिए। माशाल्लाह बाज लोग कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा के बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज बाज आरिफीन का कहना है कि जरूरत पड़ जाए तो अपने जाती घर बेचकर किराए के घर में रहो और उस पैसे से मकातिब चलो। 40 साल पहले हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह, अगर जरूरत पड़ जाती है इस मुल्क में ईमान की हिफाजत के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए, अकीदे इस्लामी की हिफाजत के लिए, अजमत मुस्तफा की हिफाजत के लिए, कुरान करीम की हिफाजत के लिए, आपके अकीदे तौहीद की हिफाजत के लिए जरूरत पड़े, पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा खर्च करने को नहीं है, अपनी जमीनें बेचो, अपने मकानात बेच डालो और फुटपाथ पे रहने के लिए तैयार हो जाओ, मगर ईमान की हिफाजत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ईमान वालों ने यहां तक हमको खबरदार कर दिया, और इन हालात के आने से बहुत पहले, चार दहाई पहले खबरदार कर दिया। ऐसे भी हालात आ सकते हैं, इसलिए मकातिब का निजाम कायम करो, अपनी जरा जाती प्रॉपर्टियां बेच के खाओ। यहां तक फरमाया, आखिर कोई तो वजह होगी। क्या इतना बड़ा मुफक्किर इस्लाम, सारे आलम में जिसकी आवाज सुनी जाती थी और जो सारी दुनिया की कौमों को, एक एक मुल्क के हुक्मरानों को झिंझोड़ चुका था, वो अगर हिंदुस्तान के हालात देखकर हमको ये बात कह रहा था तो ये बात सिर्फ लफाजी नहीं थी, ये बात सिर्फ जोरे तकरीर नहीं थी, बल्कि ये दिल का दर्द था। कौम की हालत जो होने वाली है ये उनकी ईमानी बसीरत थी, ईमानी फिरासत। यहां तक भी माओं से कहा, बापों से कहा कि तुम्हारा लखते जिगर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी अगर माल से महरूम हो जाए, अगर वो मकान से महरूम हो जाए, अगर वो तालीम से महरूम हो जाए, अगर वो खुशहाल जिंदगी से महरूम हो जाए, अगर वो खाने कपड़े से महरूम हो जाए, सब गवारा किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी दीन से महरूम हो जाए, ये गवारा नहीं किया जा सकता। ये उन अकाबिर की लफाजी नहीं थी, ये सिर्फ मजमे को गरमाने के वास्ते उनकी कोई साहिरी नहीं थी, ये उनके दिल का दर्द था जो उम्मत के सामने वो रख के दुनिया से चले गए। लेकिन हमें समझ में जब भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। जब नहीं आया था तो कोई बात नहीं, इसलिए कि वो हालात हमें नहीं नजर आ रहे थे, इस वजह से नहीं आया था। अब जबकि हम खुद अपनी आंखों से हालात को देख रहे हैं, अब भी क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात? गफलत हो गई है। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। यूं बैठे रहेंगे और हमारा दीन बच जाएगा, यूं बैठे रहेंगे और हम क्या हो रहा साहब, आप करो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमें कह रहे हैं कि साहब ये आप भेज दीजिए,
पोर्टल बना बना के दिए जा रहे हैं आपको, सब सिर्फ भेज दो, सब भेज दो। आप जितने भेज रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, आपकी गफलत का यह हाल है कि आपसे कई गुना ज्यादा गैर मुस्लिमों ने भेज दिए हैं कि लाना चाहिए। यानी मुसलमान को तो आज जाके वोट डालना है तो चलो छुट्टी का दिन है, घर में बैठ के शतरंज खेलेंगे, पत्ते खेलेंगे, कैरम बोर्ड पे बैठे हुए हैं। क्यों? अरे आज काम नहीं, आज छुट्टी है, छुट्टी मनाओ, तफरी करने जाओ, ननियाल में जाके बैठो, ददियाल में जाके बैठो, वोट डालना है। आपको कोई परवाह नहीं है कि मुझे वोट डालना है। ये मुसलमानों का हाल है। ऐसी गाफिल कौम जितनी मुसीबत में गिरेगी, अपने हाथों से गिरेगी, अल्लाह का इसमें क्या कसूर है? अपने तकदीर का रोना बंद करो। अल्लाह ताला ने तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपने धर्म और अपने अपने ख्यालात को ऊंचा करने की। मुसलमान जिसके पैदा होने का मकसद ही लतकून कलिमतुल्लाही ही अलहुलिया था, वो बैठा हुआ है खामोश, जो होता होने दो, जो होता होने दो। ये हमारी सूरत हाल है। इस वक्त मुसलमान ठीक ऐसे हैं जैसे एक देहाती बद्दू बेवकूफ कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था तो किसी ने शोर मचाया कि सहन में सांप निकला है। तो उसने कहा इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, निकला है तो निकलने दो, सब निकलते हैं, वो भी निकला है, निकलने। लोगों ने कहा भाई दलान में आ गया है, तो कहा आने दो ना, क्या हरज है, तुम लोग नहीं हो क्या? वो भी एक मखलूक है, आने दो। उसे बताया गया कि अरे कमरे में आ गया है, आने दो, चारपाई पे चढ़ रहा है तो चढ़ने दो भाई, मैं लेटा हूं, वो भी लेट जाएगा थोड़ी देर। और जब लेट के उन्होंने बहुत मोहब्बत से एक चुमकार दिया, एक प्यार किया, तो बस चारों खाने चीत हो गए। अब समझ में आया जाके कि उसे वही मार देना चाहिए था। अब जाके समझ में आया, अब समझ में आने से क्या फायदा है, अब तो फरिश्ता रूह निकालने के लिए खड़ा हुआ है, अब समझ के क्या करना। इसको लतीफा ना समझिए। इस वक्त मिल्लत की अहमाकत इसी तरह, इस वक्त मिल्लत इस्लामिया इसी सूरत हाल में पड़े हुए हैं, अपने बिस्तरों में पड़े हुए हैं, अपनी दुकानों में पड़े हुए हैं, अपने कारोबार के अंदर पड़े हुए हैं, अपने घर के झगड़ों में पड़े हुए हैं, आपस की मुखासमतों में, दुश्मनियों में, एक दूसरे को कत्ल करने में, एक दूसरे के मुकदमात में खींचकर अदालतों में मसाइल में मुब्तला करने में, इसी में मुसलमान पड़े हैं। अब मुसलमान को पता नहीं तुम्हारे गोद से तुम्हारे बच्चों को छीन कर मस्जिद से मंदिर में पहुंचाने के मंसूबे बन गए। कोई परवाह नहीं, अब होता होने तो, ऐसा कैसा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, बैठो इंतजार करते रहो, जब हाथ से नेमत छिन जाएगी तब खून रो, कोई रहम करने वाला नहीं। मां बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्ज़, ना जमीन रहम करेगी ना आसमान रहम करेगी। क्या मुसलमान गफलत की जिंदगी गुजार रहे? शायद कभी मुसलमानों पर इतना गफलत का दौर तारीख में नहीं आया होगा जितना गफलत का दौर इस वक्त में। मुझे याद है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना और एक खास मसले के पस मंजर में बना, शरई एक हुक्म की तकफीफ इस्तखफाफ के पस मंजर में बना, उसका बहुत बड़ा पहला प्रोग्राम हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ। उस वक्त में जो दवाखाना दुर्रे शहवार है, ये दवाखाना नहीं था, ये पूरी हवेली थी, सिर्फ एक बाउंड्री, कोई मकान, एक मकान नहीं था उसके अंदर सिवाय आसफिया मस्जिद और दवीरपुरे की रोड पर बनी हुई दुकानें, और उसके पीछे पूरा मैदान था।
पूरा मैदान था उसके पीछे का, और उस मैदान के दरमियान में पता नहीं कहे के लिए बना हुआ एक छोटा सा चबूतरा था। उस चबूतरे पर किसी पेंटर ने पेंट से लिख दिया था कि खुर्शीद से जाके कह दो कि वो अपनी किरणें लपेट के रख ले, मैं अपने खाक के जर्रों को खुद चमकना सिखा रहा हूं। बड़ी अजीमत की बात थी, बड़ी हिम्मत की बात लिखी हुई थी, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त वो शेर जो वहां लिखा हुआ था जहन में इस तरह पेवस्त हुआ कि हमेशा उससे ताकत मिलती है कि हम दूसरों के सहारे पे क्यों रहे, सूरज ही क्यों चमकाए दुनिया को और जर्रे मोहताज क्यों हो कि सूरज हमको चमकाए, हम जर्रों को चमकना सिखा देंगे वो खुद चमक। ये शायर की अजीमत थी, ये उसका वलवला था, ये उसका हौसला था। खैर वो तो मुझे ऐसे याद आ गया, लेकिन वहां जलसा किया गया था तहफ्फुज़े शरीयत का। हकीम अल इस्लाम हजरत कारी तैयब साहब रहिमहुल्लाह की सदारत में, क्योंकि वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले सदर थे और ये पहला जलसा था, उनकी सदारत में हो रहा था। बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, तहफ्फुज़े शरीयत के लिए लोगों को बुलाया गया था। वो इतना बड़ा मैदान था कि आज तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि बस्ती बन गया है। वो खुला मैदान था पूरा। उस मैदान में खचा खच भरा हुआ मुसलमानों का मजमा था और उनसे कहा जा रहा था कि तहफ्फुज़े शरीयत के लिए अपने आप को मैं तैयार कर लूं, मुस्तैद कर लूं। फिर उसके बाद अभी करीब जमाने में तहफ्फुज़े शरीयत ही के उनवान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही ने नुमाइश गिरोन पर एक जलसा रखा तो मुसलमानों की तादाद उसकी एक चौथाई भी नहीं। यह है मुसलमानों का अपने दीन की तरफ से शुरूर खत्म होने का एक मिसाल है। इससे आप गौर कीजिए, एक चौथाई मुसलमानों का मजमा भी नहीं था और आवाज जब भी वही लगी थी और अब भी यही आवाज लगी थी। और उस वक्त उतना खतरा नहीं था, 10 गुना ज्यादा खतरा आज हो गया है, लेकिन मुसलमानों को अपने मसाइल से एहसास 10 गुना कम हो गया है। अपने मसाइल का एहसास नहीं, अपनी खुददारी नहीं, अपने वजूद का के बारे में कोई फिक्र नहीं, अपनी इज्जत, अपना बड़ापन, अपने मजहब की हिफाजत, कुछ नहीं चाहिए मुसलमानों को। नौजवान बड़ी तादाद में रात तमाम आवारा गर्दी करने में गुजरा। आज भी जब आरएसएस आपके सर पे तलवार रखी हुई, शिर्क की तलवार रखी हुई, आज भी मुस्लिम नौजवान नहीं समझता कि मेरा फ्यूचर क्या है, कल इस मुल्क में मेरे ईमान का क्या होगा, कल मेरे दीन का क्या होगा, मेरे अल्लाह के पैगाम का क्या होगा, मेरे नबी की कुर्बानियों का क्या होगा, मेरे सहाबा के बीवियों का बेवा होना और बच्चों का यतीम होना, इसका जवाब कौन देगा कयामत में? नहीं मुसलमान को कुछ भी फिक्र। मुसलमान आज भी मासी में, मलाही में, अल्लाह की नाफरमानियों में, इसराफ में, फजूल खर्चियों में, अल्लाह की दी हुई दौलत को नाजायज कामों में, दिखावे में खर्च करने में मुसलमान मसरूफ है, जरा भी डर। बल्कि जो खुराफात शादी ब्याह के काफी कुर्बानियों के बाद, इस्लाह मुआशरा की जिद्दोजहद के बाद खत्म हो गई थी, दोबारा जिंदा हो गई। दरमियान में 5-7 साल तक कहीं सड़कों के ऊपर वो रोशनियां लेके, वो नाचने वाले, वो गाने वाले, वो जुलूस नहीं दिखते थे, वो बरातें नहीं दिख रही थी, लेकिन अब गली गली रोज रात होते ही देख लो, हर जगह नजर आने। खुराफात है, कोई मुसलमान दूल्हा है कि हिंदू का मुर्दा है,
समझ में आना मुश्किल, और पैसा लूट रहा है, क्या दोस्तों की ख्वाहिश है। अरे ये दोस्त को भी खुदा याद नहीं आता, इस दूल्हे को भी खुदा याद नहीं आता, इस दुल्हन को भी खुदा याद नहीं आती, इनके माँ बाप तो इतने मगरूर और मुतकब्बिर हो गए हैं कि इनको कोई समझाए कि ऐसा ना करो तो वो उसके मुखालिफ हो गए, उसको दुश्मन समझने। ये सूरत हाल है इस वक्त मुसलमानों का। मुसलमान इस वक्त गरीब नहीं है, मुसलमानों के पास कितनी दौलत है, वो आप रोजाना इशा के बाद निकलो, 11 बजे के बाद शहर का एक दौरा करो, और हर शादी खाने के सामने खड़े होकर मुसलमानों के पास कितनी दौलत है, खुदा जाने हलाल की है या हराम की, इस दौलत को देखो। इसको देखकर कौन कहेगा कि मुसलमान गरीब हैं, मुसलमानों की मईशत खराब है, इसको देख के कौन मानेगा, कौन यकीन करेगा। दुश्मन इसी को देख के हसद की आग में जल रहा है, और दुश्मन कह रहा है कि इनके जराए आमदनी खत्म करो, क्योंकि इन जराए आमदनी से ये लोग इतना इतना दिखावा कर रहे हैं जितना हम भी नहीं कर पाते। तो हमारे जराए आमदनी पर पाबंदियां लगाने के मंसूबे बन रहे, हमें कोई फिक्र नहीं, जब तक कमा सकते हैं कमाओ, जब तक शान कर सकते हैं करो, जब बुरी मौत मरने का वक्त आएगा तो मर जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसा मुसलमान था और कैसा हो गया है मुसलमान, ये नहीं दुरुस्त है मेरे दोस्तों अजीजों। जगाओ अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने खानदान के नौजवानों को खड़ा करो, उनकी गैरत को जगाओ, उनके दिल में अजमत मुस्तफा चमकाओ, उनको कुरान की अजमत सिखाओ, उन्हें अपने अल्लाह की मारिफत कराओ, अपने बच्चों को कराओ, अपनी बेटियों को कराओ। एक एक वाक्या मुस्लिम बेटियों का दिलों को चीर फाड़ देने वाला है, एक एक वाक्या हमारी जीवों की बेहयाई का, मां बाप के आंसू खुश्क कर देने वाला है, नबी का दिल दुखा देने वाला है। दीन फैलाओ, दीन जिंदा करो अपने घर में, छोड़ो दुनिया को, बनती है दीनदार नहीं बनती है, अपने घर में दीन जिंदा करो। मैं खुद दीनदार नहीं तो दूसरे को क्या दीनदार बनाऊं। अपने घर में अल्लाह का दीन लाओ, अपने घर में खौफ खुदा लाओ, अपने बच्चों को अल्लाह का मोहब्बत सिखाओ, उसकी तौहीद सिखाओ, उसकी कुदरत बताओ। अगर अल्लाह खफा हो जाएंगे तो कायनात की किसी किसी ताकत की परवाह नहीं करेंगे। इन बत्स रब्बिक लशदीद, आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। वफिल आखिरति अदाबुन शदीदुन वमग़फिरतुम मिन अल्लाहि वरिज़वान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, आखिरत में अजाब शदीद है एक तरफ और एक तरफ अल्लाह की रिजा और मगफिरत है। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मगफिरत खुदाबंदी की तरफ जाओगे या अजाब शदीद का सामना करना चाहते, क्या चाहते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, रह गई ये दुनिया की जिंदगी तो भाई ये तो धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है, धोखा खा रहे हो, धोखा खा रहे हो, धोखा खा रहे हो, इसलिए धोखे से बचो, मेहनत करो। यहां हमारे बहुत से अहबाब बहुत दूर दूर से सफर करके आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों आप दूर से आए हो या नजदीक से, और बहुत सी बहनें बहुत सी बेटियां बड़ा एहतमाम करके पाबंदी से पहुंचती, आप कहीं से भी आते हो, याद रखो ये मजलिसें हुज्जत होंगी कयामत के दिन, इसमें आपके जमीर को जगाया जा रहा है, इसमें आपके कल्ब को झुंझोड़ा जा रहा है, इसमें आपको याद दहानी कराई जा रही है कि अल्लाह की किताब छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये बात याद रखो कि अल्लाह पूछेगा कयामत में इस याद दहानी का तुम्हारे दिलों पे क्या असर हुआ, अल्लाह पूछेगा कयामत। ये आना जाना मत करो, जिंदगियों में तब्दीली लाओ, अपने को बदलो, हालात को बदलो,
गुनाहों को कम करो, नेकियों में इजाफा करो, कमाई हलाल करो, रिश्ते तोड़ना बंद करो, आपस में लड़ना बंद करो, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना सीखो, बुनियान मंसूस बन जाओ, एक मजबूत कुव्वत बन जाओ। असर बाद आपने हदीस सुनी, हजरत अली सलाम ने उंगलियों में उंगलियां डाल के बताया मुसलमानों को ऐसे मजबूत हो जाना चाहिए, मुसलमानों को मजबूत हो जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं? आज भी लड़ रहे हैं, आज भी फितना है, एक दूसरे से मुंह फेरे हुए, मामूली मामूली बातों में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां रिश्ते तोड़े हुए, खूनी रिश्तेदारों को देखने के लिए तैयार नहीं, बात करने फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये कर रहे हो और दुश्मन तुम्हारा तुम्हारे वजूद को खत्म करने के मंसूबे बना रहा। क्या मुसलमान कर रहे हैं? जिस वक्त सब अरब मुल्क मिलकर इज़राइल ने बस अभी बालिश भर जमीन उसको दी गई थी, यूरोप ने जुल्मन फिलिस्तीन की थोड़ी सी जमीन इज़राइल को दी, यूं उसने एक नक्शा बनाया पूरे पूरी दुनिया के ग्लोबल पर तिल के दाने की तरह एक छोटी सी कंट्री मिली थी इज़राइल को, और वो जुल्म करते 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 आज पूरा फलस्तीन उसके पास चला गया है, और फलस्तीनियों की उनकी अपनी आबाई मौरूसी नबियों की जमीन वो फलस्तीनियों को मुट्ठी भर मिली हुई है, बची हुई है। आप नक्शा देखो तो कभी फलस्तीन जितना था उसके एक कोने में छोटा सा धब्बा था इज़राइल का, आज उतना धब्बा फलस्तीनियों का रह गया, बाकी सब इज़राइल की ममलकत बन गई है। ये इज़राइल जब उतना धब्बे के बराबर था जमीन पर, जब नक्शा देखते तो बच्चों को बताना ये क्या है, ये फला मुल्क, ये फला मुल्क, ये फला मुल्क, और ये जो राई के दाने के बराबर धब्बा नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये इज़राइल है, इतनी कंट्री थी। लेकिन इज़राइल ने कुव्वत बनाई, ताकत बनाई, टेक्नोलॉजी पे मेहनत की, कौम के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाया और हर बच्चे को इख्तिरा करना सिखाया, हर बच्चे को जिद्दत और नई चीज पैदा करना सिखाया, एक एक टेक्नोलॉजी तैयार करना सिखाया और इस तरह अपने आप को ताकतवर बनाया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब उसकी ज्यादतियां हो रही थी और वो फलस्तीन में घुसता जा रहा था, गजा पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उस जमाने में अभी कर ही रहा था, उस जमाने में सब अरब कंट्रीज मिलकर मुत्तहिद होकर उसके मुकाबले के लिए खड़े हो गए थे। जब तक गैरत बाकी थी हुक्मरानों में, ईमानी गैरत, फिलिस्तीन के अपने भाइयों की मदद करने के वास्ते सारे अरब कंट्रीज एक हो गए थे और अपनी अपनी फौजों को, उस वक्त तक तो इतनी तरक्की याफ्ता भी नहीं थी मगर जितनी थी सबको इकट्ठा किया और वो सब जमा होकर सब मिलकर इज़राइल का मुकाबला करेंगे, पूरा गल्फ मिलकर इज़राइल का मुकाबला करेगा। गल्फ से भी आगे उसमें इजिप्ट, उसमें मिस्र, उसमें शाम, उसमें उर्दुन, उसमें इराक, सब मिलकर तय किए थे अरब के इज़राइल का मुकाबला करके उसको शिकस्त दे दी। तो मिस्र ने कहा मैं चूंकि बाजू हूं इसलिए सब लोग मिलकर मुझे सरदार बना दो तो मैं सबकी तरफ से मुकाबला शुरू करता हूं। तो मिस्र को तय कर दिया गया कि साहब मिस्र की फौज की सरकर्दगी में इज़राइल से मुकाबला किया जाए। तो मिस्र की फौज क्या थी? मिस्र की फौज कम्युनिस्ट थी, वो क्या मुसलमानों को मदद करके दे सकती थी? लेकिन मुसलमानों ने डिपेंड किया उसके ऊपर, उसने लड़ाई शुरू की इज़राइल के साथ। अब आप इज़राइल और अरब की जंग की तारीख पढ़िए, कुछ दिन चलती रही लड़ाई, उसके बाद इज़राइल ने मिस्र ने पूरे अरब मुल्कों की तरफ से शिकस्त कबूल करने का ऐलान कर दिया।
कि हमने शिकस्त कबूल कर ली। सारे ममालिक अरब रुसवा हुए। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह उस जमाने में अरब कंट्रीज में टीवी से रेडियो से मौलाना की तकरीरें होती थी। जब उनका सफर हुआ तो आपने जो वहां तकरीरें की, हर जगह कहा मिस्र के रेडियो स्टेशन पर तकरीर करते हुए हजरत मौलाना ने फरमाया, आप लोगों ने वो गलती की है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान शर्म शर्म से सर झुकाने पे मजबूर हो गया है, हम अपना सर उठाने के काबिल नहीं है। साफ उनकी जमीन पे जाके कह के आया हमारा एक आलिम थी। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो दो तरफ का मंजर बताना चाह रहा हूं। जिस दिन शिकस्त का ऐलान हुआ, जो आखिरी फैसला कुन जंग का दिन था, उस दिन इज़राइल ने अपनी जितनी भी ममलकत थी, इस ममलकत में जितने पार्क थे बंद कर दिए, थिएटरों को लॉक लगवा दिए और प्लेग्राउंड्स इस पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि जितने भी यहूदी हैं मुल्क में वो सब के सब सादा लिबास पहनकर दीवारे गिरिया के पास जाकर खुदा के सामने रोते रहे कि हमें शिकस्त न हो, हमको फतेह हो जाए। दीवारे गिरिया एक दीवार है बैतुल मक़दिस के पास जहां यहूदी जाकर रोते हैं, इसलिए उसका नाम दीवारे गिरिया है। वहां जाकर तौरात पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं, रोते हैं रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, मुनाजातें करते हैं यहूदी, जैसा भी उनका अपना दीन है। ममलकत ने हुक्म दिया कि तमाम यहूदी सीधे साधे कपड़े पहनकर दीवारे गिरिया पर जमा हो जाएं और वहां जाकर खुदा के सामने रोते रहें कि हमको शिकस्त न हो, फतेह हो जाए, और इबादत गाहों में रहें और कोई भी थिएटर न खोले, कहीं पर प्लेग्राउंड ओपन न हो, कहीं पर कोई खेलने की जगह नहीं, होटलें बंद, सब बंद। सारी ममलकत में, छोटी सी ममलकत तिल के दाने के बराबर, मगर जितने भी लोग वहां थे ये तारीख ने महफूज कर लिया कि उस दिन वो लोग खुदा के सामने रो रहे थे और मिस्र के टीवियों पर उम्मे हबीबा का नाच चल रहा। जब अरबों का ये हाल हो और यहूदियों का वो हाल हो, अल्लाह मदद किसकी करेगा? अल्लाह ने उनकी मदद की, वो फातिह हो गए और सारे अरब और सारी दुनिया के मुसलमान जलील हुए रुसवा। आज हमारा हाल ये है कि एक कौम 80 बरस से अंडरग्राउंड बैठ करके आगे के 80 साल के लिए जो मंसूबा बना के लाई है, उस मंसूबे पर कदम ब कदम अमल दरामद करती जा रही है, अपना एजेंडा उसे हकीकत बनाती हुई जा रही है। और मुसलमानों का हाल यह है कि मुसलमानों को यह पता भी नहीं है कि हो क्या रहा, इसका पता भी नहीं है मुसलमान। ऐसी गफलत में और ऐसे हालात में अल्लाह की मदद किसके लिए आएगी? जो जिद्दोजहद कर रहा है उसकी खुदा मदद करेगा, हक बातिल तो आखिरत में फैसला होगा, जो सो रहा है उसकी मदद नहीं की जाती। कानून गाफिलों की मदद नहीं करता, अल्लाह भी गाफिलों की मदद नहीं। हम गफलत से जागें, चौंकें, निकलें बाहर, अपने हालात बदलो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, ये गफलत छोड़ो, ये बेनमाजी जिंदगी खत्म करो। हर मुसलमान नमाजी बन जाए, हर मुसलमान मर्द औरत खुदा के सामने रोने वाले बन जाए। अगर यहूदी जो अल्लाह के गजब के हकदार हैं वो भी रोते हैं तो खुदा रहम करता है, और अगर मुसलमान सड़कों के ऊपर नौजवान बच्चे, कलमा पढ़ने वाले, कुरान के हामिल, वो जो है अपना सफारियां पहन करके औरतों और रंडियों की तरह नाच रहे हैं रोडों के ऊपर, मुस्लिम और स्टेज बनाए जा रहा है, दूल्हे के स्टेज के सामने मुसलमान नाच रहे हैं, रक्कासाओं की तरह नाच रहे हैं, और दुश्मन तुम्हारी गर्दन नापने का इरादा कर रहा है। क्या हालत है ये मुसलमानों की? खुदा के वास्ते होश में आओ। कम से कम ये मुसलमान
जो हर महीना अपना पैसा खर्च करके अपने घर से चल के काम छोड़ के यहाँ आते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, आप लोग तो कम से कम इरादा करो कि हम इस गफलत से बाहर निकल जाएंगे, हम अपने अल्लाह के सामने रुजू हो जाएंगे, हम पेश कर देंगे कि पाप का परवरदिगार जैसा भी है, गंदा है बंदा, मगर वो आपके सामने आ गया है, अब आप कबूल कर लीजिए, आप ही अपने कर्म से हमें नहला के धोला के पाक कर दीजिए, आप ही हमारी दिल की दुनिया बदल दीजिए, आप ही हमें हिदायत पर जमा दीजिए, आप ही हमारी बेहयाई और बेगैरती का खात्मा कीजिए, आप ही हमारे अंदर के इंसान को जगा दीजिए। अल्लाह के सामने आ जाओ, अल्लाह से रुजू कर लो, और जो अल्लाह से रुजू हो जाता है अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला अपने बंदा की तौबा से उससे भी ज्यादा खुश होता है जितना के सहरा में अपने ऊंट और अपने सामान को खोए हुए बंदे मायूस हो जाने के बाद अचानक उसका घोड़ा मिल गया और अचानक उसका सामान मिल गया, उसको जितनी खुशी होती है उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह को बंदे के तौबा करने से। हदीस पाक में है, लल्लाहु अफरहु बितौबतिल अब्द, मिसाल दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसका ऊंट था, उसके साथ पानी था, मशकीजा था और उसका तोशा था, वो कहीं थोड़ा आराम करने के लिए लेटा तो उसका घोड़ा चला गया, पानी भी ले गया और सामान भी ले गया, तोशा भी ले गया, सब ले गया। जब वो उठा तो देखा कि लकदक सहरा है, चौ तरफ रेगिस्तान है, अब सिवाय मौत के मेरे पास कोई सरमाया नहीं है। मायूस हो गया और पड़ गया कि भाई कब मौत आए, जब आएगी आएगी, मौत ही है अब कुछ नहीं, मौत के गोद में सर रख के सो गया। और अचानक उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसका घोड़ा खड़ा हुआ है, पानी का मशकीजा भी है, तोशा भी है, सब है उसके ऊपर लगा हुआ। खुश हो गया, खुशी की इंतहा ना रही, गोया मौत के बाद जिंदगी मिल गई उसको। तो इस खुशी के मारे कहने लगा अल्लाह से, कहना कुछ चाहता था कुछ और कह गया खुशी में, कहने लगा अल्लाह पाक तू मेरा बंदा है, मैं तेरा आका हूं, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा आका हूं, कहना कुछ चाह रहा था, कुछ निकल गया खुशी में, जबान साथ नहीं, इतनी खुशी हुई उसको कि मौत के बाद जिंदगी मिली। ये मिसाल देकर नबी ने फरमाया तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी तौबा करने से उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है, उससे भी ज्यादा खुश होता है जिसको मौत के बाद जिंदगी मिल गई हो, उससे भी ज्यादा खुश होता है। लेकिन हम अल्लाह से तौबा भी करने के लिए तैयार, हम अपने करतूतों पर शर्मिंदगी के लिए भी तैयार नहीं, हम अपने आप को सीधे रास्ते पर लाने के लिए तैयार नहीं, फिर हालात कैसे बदलेंगे भाई। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक आप नहीं चाहोगे अल्लाह नहीं चाहे, एक चाहना हमारा है वो पहले होगा, हमारे चाहने पर अल्लाह का चाहना होगा, हमारे चाहने से तो दुनिया नहीं बदल जाएगी, अल्लाह के चाहने से बदलेगी, लेकिन उसका चाहना हमारे चाहने के बाद, हम चाहें ना अल्लाह को, हम पहले हमारा चाहना होगा, इसके बाद अल्लाह चाहेंगे, और अल्लाह ताला तो जो चाहे वो ही हो जाता है, यफालु मा यशा, जो चाहे वो हो जाए अल्लाह ताला, मगर अल्लाह चाहने के लिए हमारा इंतजार कर रहा, बंदा भी तो चाहे, वो नहीं चाहता तो मुझे क्या जरूरत है कि जबरदस्ती, बंदा चाहे हमें बदलने की जरूरत है, हमें गफलत से निकलने की जरूरत है, हमें याद इलाही में आने की जरूरत है, हमें अहकाम शरीयत की पाबंदी की जरूरत है। कितने कानून बनाओ, कुछ भी लेके आओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन अगर मैं दीन पे चलना चाहता हूं तो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे दीन पे चलने से रोक सके। आज यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, अफ्रीका में देखो, इंग्लैंड में देखो, एक गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, जिस दिन मुसलमान हो रहा है या वो औरत जिस दिन मुसलमान हो रही है उस दिन से बाहिजाब हो जा रही है, उस दिन से पांच वक्त की नमाजी हो जा रही है,
उस दिन से नबी की सुन्नतों के आशिक हो जा रहे हैं और यूरोप की कोई ताकत जिन्होंने बम, एटम बम और मिसाइल्स और खतरनाक बम जो आज यूक्रेन को दे देकर और रशिया अपने निकाल कर और अमेरिका अपने निकाल के दुनिया को बता रहा है कि क्या क्या खौफनाक खतरनाक मिसाइल्स इनके पास हैं, असलहा इनके पास है, लेकिन किसी से डरा नहीं वो जो आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है और आज उसे दीन पे चलना है और अपने नबी की एक सुन्नत भी नहीं छोड़ना है, चाहे जो होता है अंजाम हो जाए। हम पुराने मुसलमान, मुसलमानों के घरों में पैदा होकर मुस्लिम खानदानों में पल के बढ़ करके नशे कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, हमारी जवान बच्चियां, हमारे बच्चे वो तरह तरह के नशे कर रहे हैं और तरह तरह के नशों के अंदर मुब्तला है। क्या कर रहे हैं पढ़े लिखे खानदानों में, गरीबों में, सलम एरिया में रोज बदकारी हो रही है। आसान हो गई है बदकारी, 100 रुपए की अहमियत नहीं है, ऐसे भी हालात और हादसात सामने आ रहे हैं 100 रुपए खर्च करके बदकारी करने के लिए, ऐसे हालात आ गए हैं। ये सब बातें मुबालगे पर मबनी नहीं है, आप इसको गुलू मत समझिए। हालात को करीब से देखकर जानने वालों से, उनकी जुबानों से, बस्ती वालों से, कॉलोनियों वालों से, उनके आंखों के देखे हुए वाकयात को मालूम करके हम आपको बता रहे हैं मुस्लिम उम्मा का इस वक्त क्या हाल है। हमें सारे आलम से बहस नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हमारे स्टेट के मुसलमानों का यह हाल है। ये हाल खत्म नहीं करेंगे, अल्लाह भी तवज्जो नहीं फरमाएगा, इस हालत को बदलने की जरूरत है। बड़ा बेनियाज है अल्लाह, आप बेनियाज बन के दिखा रहे हैं अल्लाह को, अल्लाह सबसे बड़ा बेनियाज है। इसलिए इसके जानिब ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, फिक्र कीजिए और यहां से कुछ फिक्रें लेकर जाया कीजिए और इन फिक्रों को अपनी अपनी बस्तियों और अपने अपने इलाकों में जिंदा कीजिए और नबी के दीवाने बनकर नबी की उम्मत के वास्ते कुर्बानियां दो, ईसार करो, मेहनत करो, फिक्र करो, बगैर किसी मुआवजे के अल्लाह के वास्ते इन पे मेहनत करो। इन्हें मस्जिदों से तक लाओ, इन्हें अल्लाह के दीन से जोड़ो, इनके अकीदे सही करो, इनके बच्चों को मकातिब में लाकर इनके जहन मजबूत करो, इनका अकीदे तौहीद, इनका अकीदे रिसालत, अकीदे आखिरत पुख्ता करो और इसके लिए कुर्बानियां दो, इसके लिए मेहनतें करो। मौलाना तो फरमा गए थे कि अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़े तो बेचो, हम कहते हैं ना बेचो, एक टाइम का खाना छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, इतना तो कर लो कुर्बानी, इतनी तो कर लो अल्लाह के वास्ते। कि साहब नाश्ता करने के इतने टाइम में 10 बच्चे कौम के पढ़ ले सकते हैं तो उनको पढ़ा दो, जाने दो नाश्ता, कुछ भी नहीं करोगे तो खुदा कैसे तवज्जो फरमाएगा। कुछ तो करने का इरादा करो भाई। एक वक्त ऐसा भी आया था कि इस उम्मत के दीन के बचाने के लिए दारुल उलूम देवबंद को छुट्टी कर दी गई, सब तलबा असातिज़ा निकल जाओ और कौम के दीन को बचाओ, ईमान को बचाओ, पढ़ना पढ़ाना बंद करो, हंगामी जरूरत है, हंगामी जरूरत पे मदरसा बंद किया गया और मदरसा बंद करके तलबा असातिज़ा सबको शुद्धि तहरीर और जो है आर्या समाज की मेहनतों के खिलाफ खड़ा किया। बचाओ, मुसलमानों को बचाने का वक्त है, अब मौलाना साहब बनने का वक्त नहीं है, अब उम्मत को मोमिन बन के बचाने का वक्त है, इनका ईमान बचाने का वक्त। खुदा ना करे कि ऐसे हालात आ जाएं। मेरे दोस्तों, अजीजों और पढ़ने वाले तालिब इल्मों, कुछ अपने अंदर पीस पैदा करो। जो हम गफलत से मदरसों में जी रहे हैं, ऐसा गाफिल उम्मत का हमदर्द और गमगुसार बनकर नहीं निकल सकता। अपनी गफलतों को खत्म करो, अपने अंदर फिक्र पैदा करो, हम बन जाएं ताकि हमारे जरिए ये उम्मत बन जाए, हम एक रोशनी हो जाए। नूरन यमशी बिही फिन्नास, जब भी हम फारिग होकर बाहर निकले,
हमारा सरापा एक रोशनी हो, इस्लाम का मीनारे नूर हो, हमें देखकर दुनिया को सीधा रास्ता नजर आए और दुनिया गुमराही से, बदअखलाकी से, बेतहजीबी से, आखिरत फरामोशी से, खुदा बेजारी से, दीन से दूरी से महफूज होकर दीन में आ जाए, अल्लाह के करीब हो जाए, मस्जिदों से नजदीक हो जाए, कुरान को अपना रहनुमा बना ले, हम इस लायक हो जाए। इस लायक होने के लिए गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, इस लायक होने के लिए अल्लाह की मारिफत अपने दिल में पैदा करनी पड़ेगी, इस लायक होने के लिए खलवत और जलवत में, दिन में और रात में, अंधेरे में और उजाले में अल्लाह की नजर से डरना पड़ेगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। एक आदमी होता है कैसा, उसको मालूम है कि यहां कैमरा है, तो वो ये कैमरा है तो देखेगा कि साहब कैमरा कहां तक कवर कर रहा है और कहां नहीं कर रहा है, वहां जाके खड़ा हो गया कि साहब यहां से नहीं कर रहा, बच गया, नहीं आ सका कमरे कैमरे के जद में, पकड़ा नहीं गया अपने जरीमे में, महफूज रह गया। लेकिन वो कौन सा गोशा है जहां खुदा की नजर नहीं देखती, वो कौन सा गोशा है, कहां छुपोगे जहां अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह की नजर से बच सकता है। अफसोस हमारा ईमान ही कमजोर हो गया, हम नहीं जाने, कैमरा यहां तक देखता है, मैं अगर इधर खड़ूं तो नहीं देख सकेगा, यहां मैं जरीमा कर सकता हूं, यहां मैं अल्लाह की नाफरमानी कर सकता हूं, क्यों इसकी जद में नहीं आऊंगा। लेकिन अल्लाह के बंदो, वो कौन सी जगह है जहां खुदा का कैमरा नहीं देखता, जहां खुदा की आंख नहीं देखती, वो कौन सी जगह। जब ईमान है हमारा कि कोई गोशा ऐसा नहीं, ना आसमानों के ऊपर ना जमीनों के नीचे, जहां खुदा नहीं देख सकता और ना देख रहा हो, ऐसी कोई जगह नहीं, तो फिर हम कहां जाके अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। आपने सुनाने के सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह से एक बंदे ने कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। तो फरमाया कि ठीक है, जब इतनी हालत तुम्हारी गुनाह की हो गई तो कर लो। तो वो बहुत खुश हो गया कि इतने बड़े आलिम दीन मुहद्दिस अजीम ने हमको इजाजत दे दी जिना करने। वो चलने लगा तो बुलाया और फरमाया देखो भाई, मगर एक शर्त है, जिना करना चाहते हो तो कर लो, मगर एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा किसी ऐसी जगह पे कर लो जहां अल्लाह ना देख रहा, जहां अल्लाह ना देख रहा हो वहां जाके कर लो, ताकि उसकी पकड़ में ना आ सको। वो मजबूत खड़ा हो गया, कहने लगा कि अल्लाह कहां नहीं देख रहा है, कहां से लाऊं ऐसी जगह जहां अल्लाह नहीं देख रहा है। फरमाया जब अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह के सामने कैसे तुम बेहयाई करोगे। बस बात समझ में आ गई, कहा चुकी। इतनी सी बात पर बेकाबू नौजवान काबू में आ गया और बोला हाँ जब ऐसा है तो मैं कहीं नहीं कर सकता अल्लाह की नाफरमानी, सबर ही कर लूंगा। ठीक है, सबर कर लो, जाओ, चार दिन का सबर है, फिर अल्लाह का अजर है। आज आज घंटों की नसीहत का असर नहीं है, आज घंटों के बयानों का असर नहीं, कुरान का असर नहीं, हदीस का असर नहीं, हादसात का असर नहीं, बड़े बड़े इबरतनाक वाकयात का असर नहीं, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये दिल सख्त हो गए हमारे, इन दिलों की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। दिल क्यों इतने सख्त हो? एक बात समझाई किसी ने, बस ईमान वाले को समझ में आ गया, नई धरती में कहीं गुंजाइश नहीं है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें, सब्र कर लेंगे, बस गुनाह के जज्बों से सब्र कर लेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? आज का नौजवान क्यों नहीं कर सकता? आज की बहू बेटी क्यों नहीं कर सकती? चाहे तो आज भी कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि कहीं कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी कर रहे हैं खुदा का खौफ, आज भी उनकी जिंदगी में उनका गुनाह लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिखने की नौबत ही नहीं आ रही। आज भी है ऐसे नौजवान जमीन पर मौजूद हैं, और शायद उन्हीं के दम खम से हम जीने के हकदार बने, वरना हम जैसों को तो खुदा कभी भी ठिकाने पहुंचा देता। कुछ हैं बंदे रुए जमीन पर जो आज भी खुदा को अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं और आज भी अल्लाह के खातिर अपनी जिंदगी के हर आरजू का खून कर रहे हैं, हर नाजायज तमन्ना को खत्म कर रहे हैं।
आज भी हैं, उन्हीं चंद बंदों के सदके में हम भी जी रहे हैं और रोटी तोड़ रहे हैं और गफलत से तोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला से खौफ करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला को राजी करो। अब बहुत हालात बुरे हो चुके हैं और मजीद बुरे होने का इंतजार मत करो, अभी से अल्लाह को मनाना शुरू करो। अल्लाह की तवज्जो हो जाए बंदों, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ अल्लाह की तवज्जो हो जाए। इस वक्त कोई हमदर्द पूरे मुल्क में नजर नहीं आ रहा है, आपसे खैरख्वाही करने को कोई तैयार नहीं है और खुलेआम हमें एक हर्फ गलत की तरह मिटाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी आंखें नहीं खुलेंगी। एक अल्लाह रह गया है जिसको हम पुकारे तो जवाब देगा, जो 70 बरस तक सनम सनम कहने वाले की जबान फिसल कर समद निकल गया तो जवाब आया लब्बैक या अब्दी, बंदा मैं मौजूद हूं तेरे वास्ते। गलती से बोल दिया तो भी जवाब देता है वो खुदा मौजूद है। हम तो जानबूझ के बुला सकते हैं उसको, उसको पुकार सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या जरूरत है खुदा को पुकारने की? किसका दिल लगा है दुआओं के अंदर? कौन हाथ उठा के आंसू बहाने के लिए तैयार है? खाओ पियो, मजे करो, मस्ती करो, ये हमारा हाल हो गया है। कहीं आप जाएं, हैदराबाद में कितनी होटलें हैं मुसलमानों से भरी हुई, चाय खाने कितने खुल रहे हैं, अक्सरियत वहां टाइम पास करने वाली मुसलमानों की, क्यों इतने गाफिल हैं भाई? बस यही पैगाम है आज का, यही पैगाम लेकर यहां से हम जाएं और हमको इसके अलावा और कुछ बताना नहीं आता है। इस वक्त तो हालात हर दिन ऐसे हैं कि हम लंबी चौड़ी बातें करें, आपको बहुत शानदार खिताब करें और बड़ी फलसफियाना तकरीरें करें, अब तो हमें ऐसा वक्त नजर नहीं आता। अब तो ये समझ में आता है एक एक को धक्का दो और खड़ा करो और एक एक को हाथ पकड़ के खड़ा करो और खुदा के सामने नाक रगड़ने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मैं वो बंदा हूँ जो मिस्कीन हूँ और जो आपके सामने नाक रगड़ रहा है और जो आपके सामने अपनी पेशानी झुकाया हुआ है, जो जलील महसूस कर रहा है अपने आप को, जो अपने कसूरों का इकरार कर रहा है, जो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा है, मैं इस तरह आपके सामने आया। اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسالك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الزرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك انفه। قربان جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مانگنے کا کیا طریقہ سکھا کر کے دیا۔ اللہ سے ایسے مانگنے کا وقت آیا ہے اور ایسا مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی اسی پیاری دعا پر ہم اس مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غیرت نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ